तो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एचएसएससी में। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ आ रही थी कि जो भी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं 20 तारीख से, वो सभी एग्जाम आपके कैंसिल हो गए हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो बिना वक्त जाए के हुई। तो फ्रेंड्स, मेरे पास रेगुलर जो है दो दिन से मैसेज आ रहे हैं, कल सुबह से मैसेज आने शुरू हुए थे कि जो भी सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर के जो भी हमारे एग्जाम होने हैं, जिसके लिए डेट शीट जारी कर दी है 20 तारीख से आपके एग्जाम होने हैं ऑफलाइन, क्या वो कैंसिल हो गए हैं, क्या उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, ऐसा कोई नोटिस आया है क्या? तो स्टूडेंट्स की मांग थी कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि जो भी हमारी डेट शीट जारी हुई है उसमें जो है करेक्शन तो बहुत ज्यादा है। ये मैं मानता हूं कि आपका एम पीएम किया गया है, शेड्यूल भी कुछ एक डेट शीट ऐसी हैं जिनमें शेड्यूल सेम है, सेकंड एंड सिक्स सेमेस्टर की जो डेट शीट उनमें शेड्यूल सेम है। तो क्या कुछ होने वाला है इस बार, क्या आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, क्या अपडेट है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना वक्त जाए के हुए। तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के जो भी आपके एग्जाम होने हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, 20 तारीख से एग्जाम नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके जो भी एग्जाम है यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाने वाली है उसके लिए एग्जाम कैंसिल को लेकर अभी तक कोई भी नोटिस नया नोटिस नहीं आया है कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे। अगर बात करूं कि आपके एग्जाम शेड्यूल की, तो आपकी जो भी डेट शीट आने वाली है, जल्द ही आपकी रिवाइज डेट शीट आने वाली है। रिवाइज डेट शीट में आपका जो भी एग्जाम टाइमिंग है वो ठीक होगा, और जो भी आपकी डिमांड है कि सेकेंड एंड सिक्स सेमेस्टर के जो सेम टाइम और सेम शेड्यूल है, तो वो भी शायद आपका चेंज किया जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर के रीअपियर है जिन स्टूडेंट्स के, उनका सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम भी होना है, तो वो एक साथ दो एग्जाम कैसे दे पाएंगे एक ही टाइम में। तो इसके लिए आपका जो भी रिवाइज डेट शीट है उसमें आपकी टाइम और डेट सब कुछ ठीक होकर दोबारा आपकी डेट शीट है वो जारी की जाएंगी, जल्दी आपकी डेट शीट जारी की जाएंगी। लेकिन आपके एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस या कुछ भी नहीं आया है, ना ही कोई न्यूज आई है आईजू की तरफ से कि आपके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे या एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही आपकी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है एग्जाम कैंसिल को लेकर या एग्जाम पोस्टपोन को लेकर या फिर रिवाइज डेट शीट को लेकर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर बात करूं आपके रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आएगा, तो जो भी स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने एसआई का फॉर्म भरना था, उनके लिए बहुत ज्यादा ये आपका बहुत ज्यादा खराब होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तक आईजू मीरपुर की तरफ से रिजल्ट नहीं आई है। और जो भी थर्ड फिफ्थ का जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे रिजल्ट आने का, उसमें अभी तक शायद और टाइम लगेगा आने में, क्योंकि मेरी जो दो तीन दिन पहले प्रोफेसर से बात हुई थी, कॉलेज प्रोफेसर से, तो उनका मानना है कि अभी तक जो आपकी आंसर शीट है वो अभी तक चेक नहीं हुई है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में आपकी आंसर शीट गई हुई है तो हमारे पास वो चेक होने के लिए आती हैं, लेकिन अभी तक वो चेक होने के लिए नहीं आई हैं। तो अभी तक शायद आपकी आंसर शीट चेक नहीं हुई है, ये मेरा मानना नहीं है, ये मैंने प्रोफेसर से पूछा था, उनका मानना है कि अभी तक आपकी आंसर शीट चेक नहीं हुई है। जो भी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट अपने रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, तो उनको अभी और वेट करना पड़ेगा, कितना और वेट करना पड़ेगा ये नहीं कह सकता, और ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल जो नोटिस आया है आईजू की तरफ से कि आपका एक महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा, दो वीक में रिजल्ट जारी हो जाएगा। हालांकि कुछ अपडेट आई थी आपके रिजल्ट को लेकर पिछले वीक, कि जो एग्जाम कंट्रोलर है आईजू मीरपुर के कैंपस के, उन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी में, उन्होंने जो है लाइब्रेरी में गए थे, वो एग्जाम कंट्रोलर थे जो हमारे नए एग्जाम कंट्रोलर आए हैं आईजू मीरपुर के, उन्होंने जो भ्रमण किया था आईजू कैंपस का, तो उन्होंने बोला था कि जल्द से जल्द स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार किया जाए। लेकिन अभी तक आपकी जो कॉपीज हैं, आंसर शीट्स हैं जो आपने दी थी, जिसमें आपने आंसर दिया था, वो अभी तक चेक नहीं हुई हैं, तो शायद आपके रिजल्ट आने में आपको और ज्यादा जो आपका है टाइम लगने वाला है, शायद एक महीने और जो आपको है वेट करना पड़ सकता है। क्या कुछ आपके डाउट हैं, आपकी कोई भी क्वारीज हैं आईजू मीरपुर को लेकर, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ज्यादा जानकारी के लिए, डेली अपडेट पाने के लिए आप जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, लिंक नीचे मैंने लिंक है वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आईजू मीरपुर के स्टूडेंट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।